सी है फेस मास्क। वर्ल्ड माइस्टर मतलब वर्ल्ड फेमस के स्लाइसेस सामान लेके आई। दोस्तों मैं स्नेहा सिंह आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में इंडियन मॉम स्नेहा इन जर्मनी में। अभी का टाइम ये है कि अभी दोपहर के आफ्टरनून होने वाला है, मतलब 12 बजने वाले, पर आज इतनी आलस आ रखी है ना कि यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा। चाय पिया है, ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट का सिर्फ बर्तन उठा के टेबल पे रख दिया और बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा कि उठ के इस कुछ काम कर लिया जाए, क्योंकि एक तो मौसम ऐसा ऊपर से पता नहीं, बॉडी पेन भी थोड़ा हो रहा है क्योंकि कल काफ़ी काम हो गया था, किचन की सफाई ये फलाना। और आपको पता है एज अ मदर तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ये देखिए इसको भी मैंने अभी खाना पीना खिलाया है, मतलब ब्रेकफास्ट कराया है, उसके कपड़े इतने गंदे कर लिए उसने ब्रेकफास्ट करने के बाद, अब उसे चेंज करना है। सोची हूँ अभी नहला ही देती हूँ उसे, फिर उसके कपड़े एकदम से ही चेंज कर देती हूँ। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि खुद को पैम्पर्ड करने का दिन करना चाहिए, जैसे नेल पेंट वगैरह लगाओ। सोचिए अच्छे से तेल मालिश करूँगी या तो हेयर मास्क लगाऊँगी, हेयर मास्क लगा के और फेस मास्क भी लगाऊंगी। आज मेरा बहुत मन है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करूं। वैसे मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है, पर कभी कभी ऐसा मन कर जाता है, बहुत दिनों के बाद आज मेरा मन कर रहा है कि खुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं मेरे आँखों के नीचे बहुत डार्क सर्कल्स पड़ रहा है। रीज़न ये है कि नविष्णा के चक्कर में बहुत अच्छे से नींद भी नहीं होती है, आलस आ रहा है मुझे आज, तो मैं ये सब करूँगी तो शायद मुझे अच्छा भी लगे। और मैं यहाँ पार्लर वगैरह तो जाती नहीं हूँ, तो खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालूंगी आज मैं। अभी घर की हालत जो नविष्णा ने की है वो अगर आपको दिखाऊं तो देखिए, अब उसे क्लीन भी करना है, तो मैं सोची फेस पैक या हेयर मास्क लगा के फिर ही उसे क्लीन करना शुरू करूंगी। मैं लेके जा रही हूँ मैडम को नहलाने, फिर नहला के फिर मिलती हूँ आपसे। जैसे मैंने आपको सुबह बताया था ना, मुझे आज बिल्कुल आलस सा रखा है और मुझे अजीब सा हो रखा था, तो अब समझ में आया है मेरी हल्की सी तबीयत ख़राब हो रही है। अभी मुझे हल्का फीवर टाइप का है, बट मैंने पैरासीटामॉल ले लिया, क्योंकि मैं पैरासीटामॉल नहीं लूँगी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल भी हो जाएगा, क्योंकि नविष्णा है और नविष्णा के साथ बहुत एनर्जी चाहिए होती है और बॉडी काफ़ी पेन हो रही है। यह कि अभी सामान टेक करना, अभी नविष्णा को सुला के आई हूँ, उसे नहलाना भी था, बट पता नहीं मेरी हिम्मत ही नहीं की। थोड़ा कपड़े लगाने थे वॉशिंग मशीन में, वो सब तो लगा ही लूँगी अभी, और थोड़ा यहाँ सफाई कर लूँगी। चलिए फिर थोड़ा कुछ काम निपटा लेते हैं। देखा वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा के आ गई हूँ। अभी मैं सोची अपने लिए थोड़ा फेस पैक बनाए, थोड़ा सा अच्छा फील हो। मैं फेस पैक जो बनाती हूँ वो मैंने ऑलरेडी इसके पहले एक वीडियो डाला था स्किन केयर रूटीन का, उसमें मैंने आपको बताया था मैं कौन सा फेस पैक लगाती हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। आपसे फेस पैक है वो बन चुका है, यहाँ पे वो है, अभी मैं इसको लगाऊंगी और 15 मिनट्स रखूंगी, 15 मिनट्स बाद उसको निकाल। तो अभी मेरे चेहरे में एक मतलब बिल्कुल ही कोई भी मेकअप नहीं है, ना ही मैंने लिप बाम भी नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया। बट अब सच में बोलती हूँ ये मास्क बहुत अच्छा है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, अगर आपको लगे तो आप जरूर चेक करिएगा। बहुत सिंपल है, सबको सबके घर में ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बस आपको वीकली वंस या 15-20 दिन में एक बार यूज़ करो, देखिए आपका चेहरा अपने आप बहुत सॉफ्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और रही बात आप ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ मत कीजिए अपने चेहरे पे, जितना प्रोडक्ट कम यूज़ करेंगे उतना चेहरा अच्छा ज़्यादा रहेगा। जैसे मैं बिल्कुल ही नहीं ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। हाँ मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ और मैं एक मॉइस्चराइज़र भी लगाती हूँ। अब मैं फटाफट जाती हूँ मेरी बेटी को नहलाने, वो उठ चुकी है, मैं नहला के फिर आपसे। देखिए दोस्तों नविष्णा का नहाना हो गया। नविष्णा ने नहा लिया है, मुझे भी थोड़ा फील अच्छा लग रहा है, मतलब दवाई का कुछ तो फ़ायदा हुआ कम से कम। चलिए लेकिन अभी मैं बनाने जा रही थी चाय, तो मैंने सोचा आपको चलो अपना चाय, मैंने ऑलरेडी दिखाया भी था आपको,
पर मैं चाय बनाने ही रखा था, तो मैंने सोचा आपको एक बार चाय दिखा दूँ मैं अपनी वाली। अभी इसमें मैं चाय की पत्ती, इलायची और एक लौंग, एक काली मिर्च और शक्कर डाल के इसे उबलने दूँगी बहुत देर तक। उसके बाद लास्ट में मैं अदरक डालूँगी। ये है मेरा तरीका चाय बनाने का। आपका जो तरीका होगा मुझे प्लीज़ बताना, मुझे मैं भी उसको भी ट्राई करना चाहूँगी। एक बार मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा कि कैसे आप चाय बनाते हैं। मेरा थोड़ा मन कर रहा था कि चाय पी लूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, तो मैं चाय बना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं काफ़ी देर के बाद व्लॉग कर रही हूँ। अभी मेरी तबीयत ठीक है, पैरास्टामॉल ने अपना काम कर दिया, जो करता है वो। देखिए मेरी बेटी की कहाँ कहाँ खिलौने मेरी बेटी रख के छोड़ती है, और बेचारी की तो टांग भी तोड़ दी है उसने, देख लीजिए। पर मैं आपको बता रही थी कि मैं अभी बाहर निकल रही थी, घर नविष्णा को घुमाना भी हो जाएगा और कुछ सामान भी ले आना है, ग्रोसरी आइटम। आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी मैं कौन से ग्रोसरी आइटम ले आती हूँ। ये मेरा वीकली ऐसे 2 या 3 बार ले आती हूँ, पर शायद इस वीक में मैं 2 ही बार ले आऊँगी, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा सामान पड़ा था जो अभी तक चल रहा था। अभी मैं जा रही हूँ, सामान स्टॉक करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या सामान मैं लूँगी। और अगर आपको जानना है उसकी प्राइस क्या है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसकी प्राइस के साथ बताऊँगी वो कितने का मिलता है, और वो इंडिया और यहाँ के मतलब इंडिया में क्या प्राइस है और यहाँ प्राइस क्या है, आपको मैं दोनों को कंपेयर करके बताऊँगी। चलते हैं थोड़ा सामान ले आने, आप भी मेरे। वेलकम बैक दोस्तों, मैं अभी आ गई हूँ। अभी हमें हैंड वॉश देखना था तो हम वहीं घूम रहे हैं हैंड वॉश लेने के लिए। मम्मा वीडियो जानू, जानू क्या, हेलो कर दो सबको। पैनी जानू, पैनी क्या, और कौन सा कलर, और कौन सा कलर, और कौन सा कलर, ठंडी नो। ओ जानू कहाँ जा रहे हो, कहाँ चलो, और ये अच्छा, और ये क्या है, ये थी है, और ये ओ Spinach. Broccoli. जानू का टी शर्ट कौन सा कलर का है, जानू का पैंट कौन सा कलर का, कौन सा कलर का पैंट है, पैंट कौन सा कलर, क्या खोलू, पपाई क्या है, पपाई ये बहुत टेस्टी होती है, ये और ये ब्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं। वैसे तो बहुत सारे ब्रेड्स हैं वैरायटी, और ये भी बहुत अच्छी ब्रेड होती है। अभी फिलहाल तो काफी कुछ खत्म भी हो गया है, पर यही है अभी फिलहाल। मैं एक दिन आपको यहाँ के जर्मन बेकरी की भी टूर करा। ये देखिए ये सब वैरायटी है ब्रेड्स के, मतलब इतनी ह्यूज वैरायटी आपको मिलेगी ना ब्रेड्स की, डिफरेंट 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 काइंड के ब्रेड्स मिलेंगे आपको। देखिए ये देखिए, अब ये जो सैंडविच ब्रेड्स होते हैं उसकी वैरायटी देखिए, पम्पकिन ब्रेड मिलेगी, चिया सीड ब्रेड ब्रेड्स मिलेंगी, नॉर्मल ब्रेड, फुलकन ब्रेड्स, ये
देखिए जो भी अभी देख रहे हैं ये कॉर्न ब्रेड्स है, मतलब मक्के वाले ब्रेड्स जो होते हैं वो है, फिर ये गेहूं के ब्रेड्स है, और ये बुकेट बोलते हैं इसको। ये देखिए कितने तरह तरह के ब्रेड्स हैं। ये ब्रेड्स जो देख रहे हैं इतने बड़े बड़े जो होते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो लिखा है वर्ल्ड माइस्टर, मतलब वर्ल्ड फेमस ब्रेड है ये। इस ये ब्रेड इसमें आप देख सकते हैं चिया सीड्स और सीसम, मतलब तिल, बहुत सारे अलग 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 सीड्स है। और आपको जैसे यहाँ पे डालेंगे तो ब्रेड्स, ये बड़ी बड़ी ब्रेड्स होती है वो कट के बाहर कट जाती है। देखिए ये स्लाइसेस ऑलरेडी करके रखी हुई है, ऐसे आप अपने से भी कर सकते हैं। तो ये आप अपने ये मर्जी से वहाँ से उठा के यहाँ पे डाल के कट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं आप केक के स्लाइसेस देख रहे हैं, स्लाइस करके रखे हुए, अगर जिसको जो पसंद है वो लेके खा सकता है। अमित खरीद के खा सकते हैं, ऑब्वियसली लेके नहीं खा सकते लेकिन खरीद के खा सकते हैं। यहाँ से मैंने सामान, हमने सामान तो उठा लिया, अभी जा रहे हैं घर पे। अभी मैं घर पे आई हूँ, घर पे आ गई हूँ। अभी नविष्णा को भी जैकेट निकाल के अभी उसको कुछ खिला देती हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैं सामान क्या क्या लेके आई हूँ। फिर मिलती हूँ थोड़ी देर की, मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ आज आपको मैं बताऊँगी। तो शुरुआत करती हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, शुरुआत करती हूँ मैं जूस से। देखिए हम ये जूस यूज़ करते हैं, ये जूस इसलिए भी रहता है कि मेरे हस्बैंड जैसे 7 बजे उठते हैं और मुझे कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है, तो वो मॉर्निंग में थोड़ा जूस पीते हैं और नविष्णा भी थोड़ा पीती है। मैं जूस नहीं पीती, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है जूस। फिर ये हमारे चाय के लिए दूध है, ये दूध हम सिर्फ चाय के लिए यूज़ करते हैं। और अगर मुझे जैसे कि खीर वगैरह बना रहा है, कुछ बनाना रहा, तो ये दूध यूज़ करते हैं। प्लस नविष्णा को भी ये दूध देते हैं, ये फ्रेश मिल्क होता है। नविष्णा के लिए जो भी चीज़ यूज़ करती हूँ मैं यही वाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि बेटर होता है ये, काफ़ी अच्छा दूध है। ये एक दूध है, तो ऐसे हमने 3 पैकेट लाए हैं, 3 पैकेट हमारा, क्योंकि मैं दूध वाली ही चाय ज़्यादा बनाती हूँ। 4-5 दिन तो चल ही जाता है। तो मैं बता रही थी हमको ये पेयर, देखिए पेयर लेकर आए हैं, टमाटर, बहुत बेसिक सामान सी लेकर आई हूँ। ये ब्रेड मिलती है यहाँ पे, बुकेट बोलते हैं इसे, बहुत टेस्टी ब्रेड होती है। जैसे वीकेंड पे कभी हमें जैसे मॉर्निंग में कभी ऑमलेट खाना रहा तो इसके साथ ये ब्रेड बहुत टेस्टी लगता है, या कभी मसाले वाली छोले वाली सब्जी होती है, छोला हो गया या कोई पनीर की सब्जी है, उसके साथ भी ये ब्रेड बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। 2 ब्रेड्स लेकर आई हूँ मैं, लहसुन और ये कोरिएंडर, पालक। ये पालक इसलिए लेकर भी आई हूँ बड़ी वाली, क्योंकि नविष्णा के लिए तो पालक की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीकेंड पे अपनी मॉम की रेसिपी, जो है पालक आलू, और वो भी ग्रेवी वाली पालक, तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप मेरे साथ बने रहिए। ब्रोकली नविष्णा के लिए, ड्राई फ्रूट्स ज़रूरत होती है, हम जैसे कि जिस दिन डाइट, हमारा डाइट चल रहा है तो थोड़ा मैं अपने हस्बैंड को हमेशा ही ड्राई फ्रूट्स देती हूँ। दही नविष्णा खाती है और हम भी खाते हैं, ऐसा नहीं है नविष्णा ही खाती है, हम भी खाते हैं। ये है ड्राई फ्रूट्स ही समझ लीजिए, ये है किशमिश वो मैं ले आई हूँ। एग, वैसे एग मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन हम वीकेंड के लिए ला के रखते हैं, सोचते कि अगर कभी खाने का मन किया। और अब मैं कोशिश करूँगी नविष्णा को रोज़ उसके खाने के साथ एक एग दूँ, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन उसे एग इतना पसंद नहीं है, तो वो डिपेंड करता है वो खाती है या नहीं खाती। चिकन, वीकेंड पे चिकन बनेगा, आपको रेसिपी चाहिए होगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। ये दही है, नविष्णा जो दही खाती है वो थोड़ा मतलब गाढ़ी दही खाती है, ये क्रीम वाली दही होती है, थोड़ी क्रीमिश होती है। अगर रेसिपी वगैरह बनाना है, रायता बनाना है, तो ये दही बहुत अच्छी होती है, तो मैं ये वाली दही हमारे रेसिपी, या जैसे चिकन बनाना रहा या पनीर की सब्जी बना रही थी जिसमें दही का यूज़ हो, तो वो ये वाली दही यूज़ करती हूँ। प्लस हमें रायता वगैरह बना रहा तो ये दही यूज़ करती हूँ। और ये नविष्णा की दही, मैं नविष्णा के लिए ये थोड़ी सी गाढ़ी वाली दही खाती है तो वो ये वाली लेती हूँ। ये सामान आज हम लेकर आए हैं, देख लीजिए ड्राई फ्रूट्स अगेन, बस यही है जो हम लेकर आए, इसके अलावा कुछ ज़्यादा सामान लेकर नहीं आए हैं। आलू प्याज और स्टॉक करना है तो वो भी ले आएंगे, क्योंकि सामान ज़्यादा इकट्ठा नहीं ले आती हूँ मैं, क्योंकि
थोड़ा बाहर भी निकलना हो जाता है इसी के बहाने, और थोड़ा सा हमारा वॉक भी हो जाता है, थोड़े थोड़े सामान लेकर आओ और फ्रेश का फ्रेश सामान भी मिलता है। यही रीज़न है मैं थोड़ा थोड़ा स्टॉक करती हूँ, बाकी तो चावल दाल ये सब तो हमेशा हम महीने का ही स्टॉक कर लेते हैं। अब इसी के साथ मैं ये व्लॉग को भी एंड करूँगी, आपको दिखा दिया मैंने क्या ही सामान लाया, ये सारा मुझे अभी सेट करना होगा और आपको भी पता है सेट करने में कितना ही टाइम जाता है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको सेट कर लेती हूँ और आपको मैं इसी के साथ बोलूँगी गुड नाइट। और पहले गुड नाइट के पहले मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगी, दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट दिखाइए, आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कमेंट भी कीजिए और हाँ मुझे मेरे इंस्टा और फेसबुक आईडी को भी फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको अलविदा कहूँगी, गुड नाइट कहूँगी, स्वीट ड्रीम कहूँगी और स्टे सेफ कहूँगी। बाय, टेक केयर।